स्कॉलर्स काशीपुर हमेशा से ही इस सेतु प्रोग्राम को 8 सालों से होस्ट कर रहा है। हमें वो लोग चाहिए जो चेंज की राह बनाएंगे और उस पर चलेंगे। मेन हमारा पर्पस यही रहा है कि हमें जागरूक करना है लोगों को। लिटिल स्कॉलर्स का ये सफर बहुत ही शानदार रहा है और आगे भी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ उंजिला फातिमा। और इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं काशीपुर के लिटिल स्कॉलर्स की कुछ स्टूडेंट से। जैसा कि आप सभी को विदित है कि लिटिल स्कॉलर्स के बच्चे लगातार जो है कई अचीवमेंट्स करने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, वहीं इसी कड़ी में जो है सेतु प्रोग्राम भी उनके द्वारा लगातार हर वर्ष चलाया जाता रहा है। तो आज हमारे साथ स्नेही मौजूद है जो कि लिटिल स्कॉलर्स की 9th क्लास के स्टूडेंट है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इन 8 वर्षों में जो है सेतु प्रोग्राम चलाकर जो है लिटिल स्कॉलर्स ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए कार्य किया है। स्नेही, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरागी लाल न्यूज चैनल में, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड सेतु हमारा स्कूल का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि सभी को जागरूक करता है कि वो अपने अपने ओर से सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें और एक स्वच्छ देश बनाएं। इन 8 साल के सफर में लिटिल स्कॉलर्स SDGs को अपने कोर में इंटीग्रेट कर चुका है। हमारा सफर SDG 4 और 13 क्लाइमेट एक्शन से शुरू हुआ, फिर SDG 3 और 12 सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, SDG 6 क्लाइमेट एक्शंस और क्लियर वाटर, और SDG 13 जो कि है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को शामिल किया। कम्युनिटी आउटरीच, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स और क्लाइमेट एक्शंस का स्केल अपग्रेड किया और अब हम फोकस कर रहे हैं SDG 14, 15 और 17 पर। लिटिल स्कॉलर्स का यह सफर बहुत ही शानदार रहा है और आगे भी रहेगा, इसीलिए हम सभी से कहते हैं कि वह इन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपने अपने ओर से करें और एक ऐसा देश बनाएं जो कि सभी के लिए बहुत सस्टेनेबल हो। वही हमारे साथ अब सुखमन जुड़े हैं। सुखमन से जानेंगे कि इस साल का सेतु क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहने वाले हैं। जी, थैंक यू। एंड इस साल का सेंट्रल थीम है क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसमें स्टूडेंट्स ने इस सेंट्रल थीम को ध्यान में रखते हुए कई चैलेंजेस पे काम किया है, जहाँ 6th to 8th के बच्चों ने ग्रीन स्पेस रेस्टोरेशन के माध्यम से लैंड की हिस्ट्री को जाना है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की है, उस लैंड प्लॉट में उनने उसका सारा स्टडी एरिया एनालाइज किया है और वेरियस वाइल्ड एलिमेंट्स और बायोडाइवर्सिटी की डॉक्यूमेंटेशन की है। उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स डिजिटल मीडियम से शेयर की है और हमारे रिसोर्स पर्सन ने उन्हें रिव्यू किया है एंड दे हैव बीन गाइडिंग देम वेरी नाइसली। बात करें 9th to 12th के स्टूडेंट्स की, सो 9th to 12th के स्टूडेंट्स ने सेंट्रल थीम को ध्यान में रखते हुए 3 चैलेंजेस पे काम किया है, जो कि हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज, इनवेजिव स्पीशीज और वेटलैंड पोल्यूशन। ये तीनों चैलेंजेस हमारी विसिनिटी में बहुत ज़्यादा विटनेस किए जा सकते हैं और इनको एड्रेस करना इसलिए बहुत ज़रूरी रहा है। और इन लोगों ने भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे ध्यान दिया है, क्योंकि अलोन वी कैन डू सो लिटिल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। वही बात करेंगे अब हम स्वर्णिम से। स्वर्णिम, इस साल सेतु में क्या कुछ खास रहने वाला है? जी, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। इस साल की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो सेतु का एक्चुअली पर्पस क्या रहा है, हमेशा से पर्पस ये रहा है कि एक जो बच्चा है वो अपने आप में एक लीडर होता है। अगर हम बात करें जो जिन प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे अगर मेन हमारा पर्पस ये रहा है कि हमें जागरूक करना है लोगों को, लाइक कैसे उनको बताना, जैसे कहावत है कि जो अर्थ है उनको हमने बोर वगैरह अपने बच्चों से, जो हमारे आने वाली जनरेशन है उसको हम उससे हम अर्थ को ले रहे हैं, ये हमारे एंसेस्टर से हमें नहीं मिली। सो खुद कैसे, मतलब एक आप रिसोर्सेस को कैसे उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे आप उनके साथ काम कर रहे हैं, कैसे एक लिमिट तक आपको उनको यूज करना है, उन चीजों को हमने, मतलब इस चीज पर हमने बहुत काम किया है। आप जैसे लास्ट ईयर भी वर्क ऑन वाटर, कैसे आपने पानी को कैसे उसको सेव करना है, क्योंकि पानी बहुत जरूरी नीड है हमारी लाइफ में। और जैसे अगर हम बात करें, इस साल हम इकोसिस्टम्स एंड जो आपका ये वेटलैंड वगैरह है, इन सब पे काम कर रहे हैं। वेटलैंड अपने आप में इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू वेरी मच स्वर्णिम। वहीं स्नेही, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरह से जो है आपके इंस्टीट्यूशन ने इसमें रोल प्ले किया है और किस तरह से और जो बाकी इंस्टीट्यूट है उनको कोलैब किया है। लिटिल स्कॉलर्स काशीपुर हमेशा से ही इस सेतु प्रोग्राम को 8 सालों से होस्ट कर रहा है और उसने सभी इंस्टीट्यूशंस को मोटिवेट किया है कि वे भी इसमें पार्टिसिपेट करें और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें।
हमारे एनुअल थीम्स जैसे कि स्वच्छ भारत, यूटोपिया, वर्चुअल्स, कार्बन फुटप्रिंट, क्लियर वाटर रिवाइवल, हु मेक्स द सिटी एंड सस्टेनेबल एक्वा जैसी थीम्स ने बच्चों को जागरूक किया और उन्हें इंटरेस्ट दिलवाया कि हाँ, अगर हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे काम करेंगे तब हम कुछ बड़ा कर पाएंगे. एंड नाउ वी हैव बिकम अ कैटलिस्ट फॉर चेंज. लिटिल स्कॉलर्स हैज बीन प्रूव्ड टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप. किसी भी इनिशिएटिव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन. तो हम स्वर्णिम से जानेंगे कि इसमें कम्युनिटी को किस तरह से इन्वॉल्व किया गया है. जी, सबसे पहले तो किसी भी चीज को जब आप स्टार्ट करते हैं उसको आपको अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगा. फॉर अवर हमारा घर था लिटिल स्कॉलर्स. बात हम करें जो फ्रूटी के टेट्रा पैक्स आते हैं हमारे कैंटीन में, उनको हमने बंद किया. एक टेट्रा पैक जो 200 ml का है, वो एक एम्प्टी टेट्रा पैक कम से कम 23 से 25 grams ऑफ प्लास्टिक को कंटेन करता है, जिसमें से अगर हम वी हैव ऑलमोस्ट 1000 students, जिसमें से अगर 500 भी फ्रूटी खरीदते हैं, इट्स अबाउट 12.5 kgs ऑफ प्लास्टिक पर डे. ये बात अभी नहीं, बट इन टर्म्स ऑफ मंथ्स, इन टर्म्स ऑफ ईयर, ईयर में ये 1.5 lakh तक जा रहा है. मंथ्स में ये इट्स गोइंग अबाउट 375 kgs ऑफ प्लास्टिक, जो बहुत ज्यादा है. एंड फॉर दिस हमने कम्युनिटीज में भी हमने काम किया, बाहर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह थे उनके साथ हमने कोलैब किया. देन वी वर्क फॉर दिस, और हाँ, इसका हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला. बाकी स्कूल्स ने भी बहुत ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट किया है और हमें पता चला है कि कैसे काम करता है. हमारी जो पार्टिकुलर जो मतलब हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारी जो मतलब हमारी थ्योरी से हटके थोड़ा और ये जो है उसमें ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज में ज्यादा आता है, इस वजह से ही विप्रवर्धियन में हम टॉप 40 में भी सिलेक्ट हुए थे लास्ट ईयर. एट द एंड में सुखमन से जानना चाहूंगी कि आखिर वो इस पूरे इनिशिएटिव को लेकर लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे. जी, सो वी एज लिटिल स्कॉलर्स हम ये मानते हैं कि द वर्ल्ड इज चेंज्ड बाय एग्जांपल, नॉट बाय ओपिनियन. बातें सभी करते हैं बट चेंज के लिए काम करना पड़ेगा. हमारे सेतु के इस एफर्ट से बहुत सारे स्कूल्स इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनते हैं, स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और हमने एक एग्जांपल सेट किया है जैसे कि अभी मेंशन हुआ विप्रो अर्जुन का. हमारे सीनियर स्टूडेंट्स ने वाटर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल एक्वा से संबंधित प्रोजेक्ट लोकल ऑर्गेनाइजेशन को कन्वे किए थे एंड दे वर सिलेक्टेड अमंग टॉप 40 इन विप्रो अर्जुन. कंटिन्यूइंग फर्दर कि हमें इस इनिशिएटिव के माध्यम से सबको जागरूक करना है. ऑल्सो हम ये मानते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो कि चेंज की राह देख रहे हैं, हमें वो लोग चाहिए जो चेंज की राह बनाएंगे और उस पर चलेंगे. सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लिटिल स्कॉलर्स के द्वारा हम यही इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं और ये 8 साल से चला आ रहा है एंड वी आर सीइंग पॉजिटिव चेंजेस. जी हाँ, बिल्कुल. तो ये थे हमारे साथ स्नेही, स्वर्णिम और सुखमन, जिन तीनों ने आपको बताया कि किस तरह से जो है इनका एक इनिशिएटिव है. वहीं आपको भी, क्योंकि हर एक का पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट होता है, तो आपको भी किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करना है, तो आपको शुरुआत अपने से करनी होगी. क्योंकि जैसे कि इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो चीजें हैं, जो चेंजेस हैं, वो ओपिनियन से नहीं आते, वो आते हैं एग्जाम्पल से. जब हम एग्जाम्पल सेट करेंगे, कुछ इनिशिएटिव लेंगे, तब जाकर जो है आपको चेंज देखने को मिलेगा. तो आपको उसको लेकर काम करना है और अपने एनवायरमेंट का आपको भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमें ये अर्थ जैसे कि हमें मिली है, एटलीस्ट वैसा तो अपने जो हमारी जनरेशन आएगी आगे वाली उनको देकर जाना है. तो उस चीज का ध्यान रखें और अपने एनवायरमेंट की रक्षा करें. इतना ही मैं कहना चाहूंगी.